अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आनिया ब्लॉग्स। आज हम बना रहे हैं भरे हुए बैंगन। जैसे कि हमने आपको कल वाली वीडियो में बनाया था कि हम कल बनाएंगे भरे हुए बैंगन, तो हमने सब कुछ रेडी कर लिया है। ये देखिए हमारे 1/2 kg बैंगन है, और ये हमारे 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, और 2 हमारे मीडियम साइज़ के प्याज थे, और 2 हरी मिर्ची हमने ग्राइंड करके रखे हुए हैं। ये गार्निश के लिए है, हरा धनिया, हरी मिर्ची और सूखी मेथी। ये 1/2 kg दही, और ये हमारे मसाले, ये देखिए कुटा हुआ धनिया, लाल मिर्चे है 1/2 टेबल स्पून, हल्दी है 1/2 टेबल स्पून, नमक है हसब जायका, और थोड़ा सा चाट मसाला है, मेथी दाना और राई। ये हमारे तो चलिए हम पहले अपना मसाला रेडी कर लेते हैं, फिर हम अपने बाद में बैंगन 4 स्लाइस में कटिंग करके फिर भरेंगे, वरना बैंगन काले हो जाते हैं, तो इसलिए हम पहले अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। चलिए आए, हम चलते हैं अपने किचन में। हम आ गए हैं अपने किचन में, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1/2 कप ऑयल लिया है, और हम अब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, जो कि मैं बताना भूल गई थी कड़ी पत्ते का, तो हम लाजमी है कड़ी पत्ता डालना, तो खुशबू के लिए। मेथी दाना और राई, देखिए हो रहा है। हम इसमें ऐड करेंगे अपने पीसे हुए टमाटर, प्याज और 2 हरी मिर्चें, फिर हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, फिर हम अपने बैंगन इतने भर लेंगे। इसके लिए करेंगे ये देखिए हो रहा है। इसी के साथ साथ हम अपने सब मसाले इसमें ऐड कर देंगे, तो ये अच्छी तरह सब मिक्स हो जाएगा। इसको हम थोड़ी देर ढक देंगे, इतने ये सही अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। इतने हम चलते हैं अपने बैंगन की तरफ, कटिंग करते हैं और उनको भरते हैं। ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है, अब हम अपने बैंगन की तरफ आ गए हैं, क्योंकि हमने मसाले को भुनाई पे रख लिया है। ये देखिए इस तरह हम इसके 4 स्लाइस करेंगे ऐसे, फिर ऐसे, ये देखिए ये 4 स्लाइस हो गए हैं। फिर हम इसमें मसाले को अच्छी तरीके से ऐसे करके और ऐसे करेंगे, देखिए भिंडी के साथ, ये देखिए, तो ये अच्छी तरह इसके अंदर लग जाएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए कितनी अच्छी तरह लग गया है ना। और इसको सिर्फ आप मसाला जब भूनने पे रखें तब लगाएं, वरना सब काले हो जाएंगे। ये देखिए अब इसी तरह 1 बाय 1 कितने हमारा मसाला भून रहे हैं, हम ये सब कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरीके से हो गया है, और ऑयल भी आ गया है मसाले पर। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही 1/2 कप, ये हमने इसमें दही ऐड कर दी। इसको तेज़ आंच पे थोड़ी देर पका लेंगे। इतने ये देखिए हमने बैंगन भरकर रख लिए हैं, जैसे कि हमने आपको दिखाई थी सब। अब ये देखें हमारे बैंगन बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें मसाला लग गया है, देखिए अच्छी तरीके से हो गए हैं। अब हम इनको इसमें ऐड करते हैं, अब ये इसी पानी में दम हो जाएंगे, हमें इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं, वरना तो ये खराब हो जाएंगे अगर हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो।
क्योंकि बैंगन भी अपना पानी छोड़ते हैं। ये देखिए अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे, फिर ये रेडी हो जाएंगे। और हल्की आंच पर, ज़्यादा तेज़ नहीं, नॉर्मल आंच पर इसको हम दम पे लगाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारे, ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है और हमारे बैंगन भी गल चुके हैं। लेकिन अब हम इसमें स्पून नहीं चलाएंगे क्योंकि अगर हम स्पून चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। आज भी स्लो करते थे। और अब हम इसमें डालते हैं सूखी हुई मेथी। और हरी मिर्च। और अब हम इसे करते हैं डिश आउट। तो ये देखिए हमने कर लिया है अब डिश आउट। ये रहे हमारे बैगन और ये रहे हमारे राइस। हमने राइस बनाए हैं बैगन के साथ। आप चाहे तो रोटी बना लें, जैसा आपका दिल करे, पर हमें राइस बहुत पसंद है बैगन के साथ, तो हमने बनाए हैं राइस। चलिए अब हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे राइस भी कितने खिले खिले बने हैं माशाल्लाह से। और ये देखिए बैगन हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, ये देखिए यम्मी से, ये देखिए। चलिए अब आपको अब्दुल बासी टेस्ट करके दिखाएंगे कि कैसे बने हैं। वेरी यम्मी। तो अब्दुल बासित को तो आ गए हैं पसंद, तो आप भी ट्राई करिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।